बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका होस्ट इम्तियाज़ अली, बहरिया टाउन कराची, प्रॉपर्टी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से। सो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी एक्सचेंज को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई सुने आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुँचती रहे। तो डियर व्यूअर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद हमेशा की तरह यही रहता है, जो ओवरसीज़ क्लाइंट बैरियर टाउन का विज़िट नहीं कर पाते, मैं लम्हा बलम्हा एक नए प्रेजेंट की एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होता हूं ताकि आप इसी तरह बैरियर टाउन के ऑन ग्राउंड हिस्से से आशना होते रहें। और दूसरी मेन बात, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है प्रेजेंट 4। तो आज मैं आपको प्रेजेंट 4 का कम्प्लीटली स्ट्रेट ट्रू और कराऊँगा और आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट 4 की सराउंडिंग में कौन कौन से प्रेजेंट आ रहे हैं, इसका मेन गेट से कितना फासला है, ये मेन जना से कितनी दूर है, इसमें प्लॉट्स की कैटेगरी क्या है, इसकी लॉन्चिंग प्राइस क्या थी और अब यहाँ पे करंट रेट क्या चल रहा है, और प्रेजेंट 4 में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट 4 की सराउंडिंग बताता जाऊँ। तो इसकी सराउंडिंग में हमें प्रेजेंट 7, प्रेजेंट 6, मिडवे कमर्शियल एरिया जिसमें रियल इस्टेट के ऑफिस, फूड चेन के पॉइंट्स और बहरिया टाउन का हेड ऑफिस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे प्लॉट्स की कैटेगरी देखी जाए तो हमें यहाँ पे जस्ट 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात की जाए, मेन गेट से प्रेजेंट 4 का डिस्टेंस देखा जाए, तो हम तकरीबन 7 से 8 मिनट की ड्राइव पे मेन गेट से प्रेजेंट 4 के अंदर एंटर हो जाते हैं, जबकि मेन जना से प्रेजेंट 4 का डिस्टेंस देखा जाए तो 1 से 2 मिनट की ड्राइव पे हम प्रेजेंट 4 के अंदर एंटर हो जाते हैं। और इसके अलावा आप मेरी सराउंडिंग में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे विलास नज़र बने हुए आ रहे होंगे, इनमें कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, कुछ रेडी टू मूव हो गए हैं। यहाँ पे बैरिया ने पोजेशन दे दिया है, आप प्लॉट लेके फौरन घर बना सकते हैं। इसमें हमें ज़्यादा प्लॉट प्रेजेंट 4 के अंदर हाइटेड प्लॉट देखने को मिलते हैं और कुछ ही प्लॉट इससे डेप्थ वाले भी देखने को मिलते हैं। और अगर यहाँ पे लॉन्चिंग प्राइस की बात की जाए, जो इसकी स्टार्ट में लॉन्चिंग प्राइस हुई थी, तो वो 500 स्क्वायर यार्ड की लॉन्चिंग प्राइस 46,50,000 थी। और यहाँ पे अभी करंट रेट की बात की जाए, जैसा कि अभी मार्केट स्टक जा रही है, आप प्लॉट लेके इन फ्यू मंथ्स या इन फ्यू ईयर में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ पे करंट रेट की बात करूँ तो हमें यहाँ पे 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट 1,80,00,000 से लेके तकरीबन 2,30,00,000 से लेके 35,00,000 तक एज़ पर लोकेशन अच्छी लोकेशन वाला प्लॉट मिलता है। अगर आप भी प्रेजेंट 4 में प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो देर किस लिए है, आप आएँ और प्रेजेंट 4 में लोकेशन वाला प्लॉट देखें और इन फ्यू ईयर या इन फ्यू मंथ में अच्छा मुनाफा कमाइए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेजेंट 4 में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, तो प्रेजेंट 4 में इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए, जैसा कि प्रेजेंट 4 की सराउंडिंग में बैरिया हाइट्स अपार्टमेंट आ रहे हैं, जिसमें बैरिया ने ए और एच में पोजेशन दे दिया है। जब इसके बाकी हाइट्स में पोजेशन मिल जाएगा तो प्रेजेंट 4 के रेट में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जैसा कि इसके अलावा ये मेन गेट से भी तकरीबन 7 से 8 मिनट की ड्राइव पे है और मेन चना के भी बिल्कुल नियर टू रेस्ट है, और तो और ये मिडवे कमर्शियल एरिया के बिल्कुल करीब आ रहा है, जो कि कमर्शियल हब है। अगर आप भी प्रेजेंट 4 में प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं या बैरिया टाउन में किसी भी हिस्से में किसी तरह की कोई असेसमेंट चाहते हैं, तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन किया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी एक्सचेंज को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकें। और मेरी नए आने वाली वीडियो के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।